विधायक महोदय पर्दे के पीछे से जिस तरीके से ब्रिज की पहचान को मिटाने का एक घिनौना कृत्य कर रही हैं, आज कामा आदि वृंदावन के नाम से जाना जाता है, उसके जो ऐतिहासिक गेट बने हुए हैं जो टूटे हुए उनका जीर्णोद्धार नहीं किया जा रहा है और डी गेट को तोड़ दिया गया, नए गेट बनाने की बात की जा रही है। कहीं आप जीर्णोद्धार करके और नए गेट का आम जन से प्रस्ताव लेकर के चलते, नगर पालिका में आप क्या प्रस्ताव ले रहे हो, जहाँ राजनीतिक दबाव के अंदर पीओ से आप किस तरीके से काम करा रहे हो, ये आज पूरा खुलासा हो गया है कि कहीं न्याय संगत काम नहीं कर रहे। अब आप इस विधानसभा क्षेत्र की और इस ब्रज की संस्कृति की पहचान मिटाने का काम कर रहे हो, तो मैं नहीं समझ रहा कि आप चाहती क्या हैं। ऐसा लग रहा है कि इस समय कहीं डिस्टर्ब हो गई है जाहिदा जी और चौधरी तैयब हुसैन की गरमा को गिराने का काम कर रहे हैं। वो व्यक्ति यहाँ मंत्री रहा है, एमएलए रहा है, लेकिन उसने कभी कामा की किसी संस्कृति को डिस्टर्ब करने का प्रयास नहीं किया, उसके बावजूद भी मुकाबला किया। आप पहले यदि एमएलए रही थी तो एक मस्जिद के मामले में मैं स्वयं उनका समझौता प्रशासन के साथ में करा के गया। अब की बार आप एमएलए बनी हैं तो आपने कामा के चिन्हों को मिटाने का कोशिश किया, ब्रज की संस्कृति को मिटाने का प्रयास कर रही है। आखिर जिसने तुमको बनाया है उसी को मिटाने का काम कर रहा है, तो इसका परिणाम वो निकलेगा जाहिदा जी स्वयं भी आप मिट जाओगे। और मैं माननीय मुख्यमंत्री से निवेदन करना चाहता हूँ कि आप राजस्थान के मालिक हो, आपका एक विधायक इस तरीके से यदि ब्रज की संस्कृति को मिटाने का काम कर रहा है, जो मुख्यमंत्री राजस्थान के गांधी के नाम से अपनी पहचान रखता है, जो हरे रामा हरे कृष्ण में अपना विश्वास रखता है, जो मानवता में विश्वास रखता है, जो ब्रज की संस्कृति में अपनी श्रद्धा रखता है, जिसने इसे ब्रज के खनन को वन संपदा में आरक्षित करने के लिए अपने कलम से फैसला किया है, आज उसी आदि वृंदावन के पहचान को मिटाने के लिए डी गेट को तोड़ा गया, उसके अंदर मूर्तियों को तोड़ा गया और अन्य दूसरे गेटों को भी जीर्ण शीर्ण स्थिति में निर्माण नहीं किया जा रहे। इसलिए मैं शासन और प्रशासन से ये मांग करता हूँ कि जो भी हमारे गेट टूटे हुए हैं उन आठों गेटों को मरम्मत जीर्णोद्धार कराया जाए, नया बनाया जाए और यदि ब्रज संस्कृति की पहचान को मिटाने का यदि काम किया गया तो मतलब यह है कि ये मान के चलिए कि ब्रज के लोग इस चीज़ पर शांत नहीं बैठेंगे, उसके परिणाम बड़े गंभीर होंगे। और मैं ये चाहता हूँ कि भाई डीप का दरवाज़ा और पूर्व मंत्री और विजय मिश्रा, ये जो तीनों लाइन इन्होंने बना करके खड़ा की है, जनता में इसकी खराब काफ़ी रोष है, बड़ा भारी गुस्सा है। और हम माने मुख्यमंत्री से ये मांग करते हैं कि आप अपनी गरिमा को भी बचाएं और ब्रज की संस्कृति को बचाने के लिए पहल करें, भरतपुर के जिला प्रशासन को और यहाँ के प्रशासन को दिशा निर्देश दे करके वातावरण को सुधारें, वरना तो फिर गोपालगढ़ कांड जैसा वातावरण पैदा करना चाहती है, इस इलाके में अशांति पैदा करना चाहती है, सामाजिक कार्यकर्ताओं को कुचलने का काम और संस्कृति को मिटाने का जो असफल प्रयास किया जा रहा है माननीय जाहिदा जी के माध्यम से, वो निश्चित रूप से निंदनीय है और शर्मनाक है।